मुझे जो पढ़ना है ना, मैं जैसे अगर मुझे आज मुझे किसी ने कहा था कि तुम शायरी पढ़ो, ये पढ़ो, तो मैंने सोचा अभी मैं ख़रीदूँगी, बिकॉज मेरी उर्दू इतनी बोलने में क्लियर नहीं है। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो मेरे मुँह से क्लियर नहीं निकलते, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको अपने अल्फाजों पे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं कोई शायरी वाली जो किताबें होती हैं ना, जो डीप वाली वो होती हैं, मैं वो ख़रीदूँ पढ़ूँ, तो अब मैं वो ख़रीदूँगी। तो सर से गुजर जाएंगे? नहीं, समझ तो आती है। अच्छा, समझ आती है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगी। हाँ, कुछ आसान ख़रीदूँगी, कुछ जैसे फैज़ अहमद फैज़। वो आपको सब आप समझते हैं वो आसान है? मुझे किसी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है। नो, नहीं, घर वाले तो सीरियस होने नहीं देते ना बहन भाई, वो उनको अपनी यू नो घर जाते हैं तो अपनी मजाक में मस्ती में लगे होते हैं, सेट पे ही होता है जो होता है। तो मैंने जो प्रैक्टिस सेट पे अच्छी तरह हो गया ना कि अब मैं प्रैक्टिस में आ गई हूँ डायन बनने के, घर जाके मैंने वो चीखने वाली आवाज़ मैंने की, और मेरे बहन भाई वो थे कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उन्होंने कभी भाई पे वो नहीं किया कि तुम बेटे हो, बहनों की जिम्मेदारी है टाइप बातें जो हम यू नो जिस पर हम काम भी कर रहे होते हैं ड्रामों में भी यही इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेरे मामा बाबा ने हमेशा कहा कि तुम लोग को क्यों भाई पे क्यों डिपेंड करना है ना, खुद क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जो भाई के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो क्या करने का प्लान है आगे? मुझे एक तो एक्टिंग मैं कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज ये मैं मेरा यू नो एक पहला प्यार और एक पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है मेरी, लिस्ट में पढ़ाई भी है, और मुझे प्रोड्यूसर बनना आ गया है। हाँ